रोल रोल या या मैम क्या कहना चाहेंगे इसको कॉन्सेप्ट के बारे में गो सेलेब्स का कितना आसान हो गया है जो कॉमन मैन होते हैं सेलेब्स से कनेक्ट करना और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर यू नो जब ऑनेस्टली हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे लाइक ऑक्शंस लाइक कैशबैक्स मैं दो मिनट के लिए यू नो आई वाज शॉक आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूं लेकिन आर यू सीरियस यानी कि यस क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूनिक है एंड यू नो वेरी ट्रस्टवर्दी द टीम इज़ वेरी वंडरफुल हार्ड वर्किंग एंड ऐसे मतलब एक पर्सन भी ऐसे नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा बिकॉज उन्होंने इतना ट्रस्ट डाला ना कि यू नो इमीडिएटली लाइक एक्टर्स लाइक मी हमने ऐसे लिखा ओके फाइन डन दिस इज़ नाइस बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है You have some fan moment, you know, you want somebody, for example, Bachchan, Aamir, Shah Rukh, you want to go celeb. If at all they are available, you want to be a part of it. Of course. Actually, honestly, I'm very social media, I'm very kam active. So for me, this was like, okay, I need that push, you know, and go celeb is really pushing me. और लाइक राइट नाउ आज ये इवेंट है आज फिर दांडिया के इवेंट है यू नो दे आर रियली हेल्पिंग आउट अस एज वेल एज फैंस आल्सो टू कनेक्ट विद अस सो इट्स वंडरफुल यू नो एंड व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग इन प्रोजेक्ट काम कर रही हैं आप फ्यूचर के लिए यस 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 अभी दो तीन महीने के लिए मेरा ब्रेक है बट रियली फ्यूचर में है दो तीन प्रोजेक्ट्स आई लेट यू नो होपफुली जल्दी हो जाएगा सबसे पहले तो मैं अपना गो सेलेब के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ कि यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया सौ बार शुक्रिया हंड्रेड बार शुक्रिया तुम जैसे गो सेलेब का सहारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त एक्चुअली दिस इज़ मी राजीव राजा और मैं शिमला से हूँ तो मुझे एकदम पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है और मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था इस ऑल मोमेंट से तो यहाँ आके पता चला कि इतना बड़ा इवेंट गो सेलेब कर रहा है तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ गो सेलेब का और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ख़ासकर सेलिब्रिटीज़ के लिए और हमारे लिए भी जो सेलिब्रिटीज़ बन रहे हैं अभी थैंक यू मच फॉर गो सेलेब कॉन्सेप्ट हाउ इंस्पायरिंग इट इज और क्या कहना चाहिए कितना आसान हो जाएगा एक कॉमन मैन और एक सेलिब्रिटी का कनेक्शन होना आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा अगर फिंगर टिप्स पे आपका आपके सेलिब्रिटीज अवेलेबल है उनके रेट्स और उनके जो भी पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन हैंडल करेगा सब कुछ क्लियर है प्रॉपर वेरीफाइड है तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी ईजी ताम झाम सब निकल जाएगा कॉम्प्लिकेशंस फिर ईगो हैसल सब निकल जाएगा लोगों के बीच में और आई थिंक सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत काम मिलेगा ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत आर्टिस्ट्स मिलेंगे वो भी कम रेट में और एकदम अच्छा अच्छा रेट में तो आई थिंक सबके लिए ईजी हो जाएगा तो मैं एक साथ चार लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती हूँ सो माई मेन मोटिव टू रजिस्टर विद गो सेलेब वॉज कि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा सब कुछ मेरे लिए वही करेंगे सो आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर दिस एंड चिराग जी ऑफकोर्स इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट ऑल ऑफ अस आर हियर एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्टर्स और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे सारे जो फैंस हैं जो व्यूअर्स हैं जो फैंस नहीं भी हैं उन सब के लिए वो एक्चुअली मेरा फैन मोमेंट अभी मैंने मिस्टर बच्चन के साथ ऐड किया है तो मेरा जो फैन मोमेंट था वो मिस्टर बच्चन के साथ था जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी उनके साथ शूट किया था सो दैट इज माई फैन मोमेंट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो आज तक पता नहीं किसी ने क्यों नहीं सोचा है So Chirag ji, Go Celeb, they have thought about it और congratulations to them क्योंकि ऐसा कभी कुछ आया नहीं है और जब वो आया है आई एम श्योर कि हम सब उसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं थैंक यू सो मच Go Celeb is a very easy platform for actors actually because basically पहले क्या हो रहा था कि जो बीच का जो मीडिएटरशिप होती थी यहाँ से काम खराब होता था तो Go Celeb के हिसाब से क्या होगा कि जो सही लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
जिसके अंदर किसी किस्म का कहीं मिसयूज़ नहीं हो सकता, चाहे आर्टिस्ट के साथ हो, चाहे वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ हो। तो इन दैट वे एक जो बीच का ब्रिज है वो सही तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिश एक्टर्स एट द सेम टाइम द न्यू कमर्स। एंड व्हाट यू से कि ये मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट कितना मार्केट में आपको लगता है सक्सेसफुल होगा, या पहले से ही होना चाहिए था क्योंकि काफ़ी समय से इवेंट्स का काम? तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, और ऑफकोर्स हर नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है एकदम से, हो सकता है लोग उसको पहले समझ ना पाएँ, बट एज एन एक्टर जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ईजी चीज़ है, और आई थिंक इट कैन चेंज द इंडस्ट्री इन अ वे, सो देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, डिपेंड करता है लोग इसको कैसे परसीव करते हैं। एंड व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स वर्किंग राइट नाउ? आई जस्ट वॉन अ बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर माई फिल्म पे 16 लास्ट मंथ, सो इट वॉज रिलीज इन ऑगस्ट, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सो होपफुली नेक्स्ट ईयर माई फिल्म शुड स्टार्ट वर्किंग। सर मुबारकबाद आपको, जो कॉन्सेप्ट ये बताएं कब इंस्पायर्ड हुए आप, कहाँ से ये आइडिया और क्या करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर? सर ये लंबी कहानी है, जैसे मैंने बताया 2013 में मैंने 78 इवेंट वर्कआउट किए थे, उसमें मैं और आर्टिस्ट दोनों परेशान हो गए थे, फिर वहाँ से मैंने सोच लिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि जिससे लोगों का और हम का सबका भला हो और एक फिंगर पे आ जाए, तो मेरा 7 साल से एक कंसेप्ट पे वर्क चल रहा था। बहुत लंबी कहानी है तो मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसके साथ US की टीम वर्क कर रही है, हम ये पूरा जो पोर्टल है वो US बेस्ड कंपनी है जो पुणे में भी ऑपरेटिंग कर रही है, उन लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, हर चीज़ अवेलेबल है उस पर। मतलब अभी तो हमने सिर्फ गो सेलेब आर्टिस्ट बुकिंग आपको बताया, गो सेलेब ऑप्शन है, गो सेलेब क्लब है, गो सेलेब प्रो है, गो सेलेब हायर है, गो सेलेब लाइव है, इतने सारे वर्टिकल हैं, तो आर्टिस्ट को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, गो सेलेब से इतना वर्क मिले। तो अभी आपने से पता कि 300 आर्टिस्ट रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, तो उसमें से नोन आर्टिस्ट कितने हैं? और कोई ऐसा नहीं है कि एक भी अपकमिंग, मुश्किल से 10 आर्टिस्ट होंगे, टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के करीबन 240 समथिंग आर्टिस्ट है, अब जैसे अंकुश है, जैसे असीम अली है, जैसे हसन अली है, ये रिश्ता की टीम में से काफ़ी लोग हैं, पुराने टीम में से काफ़ी, मतलब आर्टिस्टों का हमारे वहाँ पे आते हैं, और जब हम कंसेप्ट बताते हैं आधा घंटा में वो रेडी हो जाते हैं, जो मैंने आज तक मेरा इतना काम करने के बाद कभी भी आर्टिस्ट फर्स्ट मीटिंग में रेडी नहीं होता कंसेप्ट को सुन के। तो मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, आपका कंपटीटर कौन है अभी फिलहाल मार्केट में? फिलहाल तो मैं लाइफ में जब भी काम किया है, और हिमांशु भी उसके लिए जानकार है, कि मैं कभी कॉम्पिटिशन में जुड़ा नहीं हूँ, और मैं कॉम्पिटिशन में बिलीव नहीं करता, मैं यूनिकनेस में बिलीव करता हूँ, मैं जो भी आज काम कर रहा है आज तक वो यूनिक ही होगा, उसका मेन साक्षी हमारे हिमांशु भाई हैं। सर ये क्या करना चाहेंगे, इस ब्रांड को कैसे सर्विस करने वाले मार्केट में आप, ऐसा पीआर क्या प्लानिंग करने वाले हैं? स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हमने कि किसी को भी अगर कोई भी एक्टर चाहिए तो गो सेलेब के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेगा, उन्हें कॉस्ट मिल जाएगा, और अगर वो आज उनके पास उतने पैसे कम हैं तो EMI पे भी वो आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर एक महीने नहीं या 6 महीने में आप पेमेंट करना चाहें, फिर भी वो आर्टिस्ट, जो अगर आपने सपने में सोचा था कि वो आर्टिस्ट हमारे पास आए, हमारे इवेंट पर आए, हमारे बर्थडे फंक्शन में आए, हमारी शादी में आए, तो वो सपना साकार होता हुआ दिखता है। और मैं गो सेलेब के थ्रू नहीं, ऐसा तो ऐसा तो हम दोनों के लिए ऐसा कोई नहीं है। हाँ वो जरूर है हम दोनों के लिए कि गो सेलेब के थ्रू हम दोनों। सर सनी लियोनी है कि नहीं इसमें रजिस्टर्ड? मैं हमारे लिए आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, लेकिन कुछ हमारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर कोई सेट होगा वो, फिर चाहे कोई भी हो उसको रजिस्टर हम जरूर करेंगे, क्राइटेरिया टीम जो है हमारी लीगल टीम के साथ, क्योंकि हम अक्रॉस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और गो सेलेब की ऑफिस 7 कंट्रीज में है, तो हम उस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के सबको रजिस्टर करेंगे, जो क्राइटेरिया मेरी जो लीगल टीम है उसके डिपेंड है।